दोस्तों आज स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है सत्रह प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों रात्रि के 9 बज चुके हैं, लेकिन भी मैं अपने आप को वीडियो बनाने से नहीं रोक पाया। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक रेट हो रहा है 2.49 रुपीज़ पर। पिछले आप लोग चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक के कितने रुपये दिया। स्टॉक जो मैक्सिमम टाइम रिटर्न दिया है वो दिया 2.66%। हाइएस्ट रिटर्न दिया है -54.97%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 77.86%। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 47.34%। 6 मंथ रिटर्न दिया है 67.11%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 126.36%। पिछले 1 महीने में स्टॉक कर रहा है 2 दिन हो चुका है। 5 डे रिटर्न दिया है 20.29% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.60%। 1 डे में स्टॉक अपने अपर सर्किट में ब्रेक हुआ। दोस्तों आज इसमें वेबसाइट पर आपको एनालिसिस करेंगे सत्रह प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते हैं। सत्रह प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड इज एन होल्डिंग कंपनी विच इज एंगेज इन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो जो कंपनी है सत्रह प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, ये एक होल्डिंग कंपनी है और ये प्रॉपर्टीज़ का डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है, व्यापार करती है। ये जो आप लोग इसकी वेबसाइट पर दोस्तों ये वेबसाइट है सत्रह प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड की, जो पंचलाइन है वेयर एवरी इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट मीट्स द लाइफ टाइम ऑफ योर ड्रीम्स। उसके बाद डीप रूटेड वैल्यूज रियल फ्रूट्स ऑफ सक्सेस इन द डेज टू कम, देन क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज टाइड अप विद जेन मैच इनोवेशन, एडिशन टू रिटेल बिल्ड ए हैप्पी एंड स्टीम कस्टमर बेस। Because solid foundation built today result in heights to reckon with tomorrow, shaping tomorrow today. वेलकम टू योर सत्रह गुरु वेयर वी बिलीव इन शेपिंग टुमारो टुडे, एक पंचलाइन है। आप जैसे काफ़ी दूसरे वेबसाइट बनाई जाएंगे जैसे कि वेबसाइट देख के आप समझ जाएंगे कि आम तौर पर इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रफुल सत्रह जी हैं और कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी इनके वेबसाइट पर मिले हैं। आप और जानकारी की वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट कैप है 3.45 पैसे ये ट्रेड हो रहा है आपने नीचे ट्रेड हो रहा है। टूडे 0% की है ROCE -17.5% चार्ट है अपनी इंडिया लिमिटेड कंपनी
दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।